टावर हटाओ, टावर हटाओ, टावर हटाओ, टावर हटाओ, डायलिसिस पेशेंट और मासूम बच्चों की जान बचाओ, डायलिसिस पेशेंट और मासूम बच्चों की जान बचाओ, हार्ट पेशेंटों की जान बचाओ, शुगर पेशेंट की जान बचाओ, डायलिसिस पेशेंट की जान बचाओ, मासूम बच्चों की जान बचाओ, सेव चिल्ड्रन जान बचाओ। मेरा नाम डॉक्टर सैयद मोहम्मद शाह, सदर मिल्लत नगर वेलफेयर सोसाइटी। सब हमारे यहाँ जो है सो करीबन 6 महीने से एक प्रॉब्लम चल रहा कि जो है सब टावर इंस्टॉलेशन करे, बार बार जो है सो हम उनको समझाने की कोशिश करें कि रेडिएशन से जो है सब नुकसान होता है। उसके बाद भी नहीं मानने की सूरत में हम करीबन 6 महीने पहले कंप्लेंट दिए थे, तो ये वादा किया गया था कि जो सब जिस वक्त तक ये लोग परमिशन नहीं लेकर आएंगे कोई काम नहीं होगा। ये रातों में थोड़ी थोड़ी देर आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, चले आ रहे हैं, फिर आज भी जो सो एक डेरे का टाइप डाल के जो सब काम चल रहा था, जो बस्ती वाले देखे उस चीज़ को देख के जब एतराज़ करने गए तो फिर वही बहस वही कुछ हुई। फिर बाद में PS को आए हम यहाँ पे आके जो सो मैडम से बात करें तो मैडम बताए कि वो एक गेजेट बता रहे जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन रहने के बाद भी स्टेट गवर्नमेंट की भी जैसे परमिशन की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर, जैसे GHMCH है उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो मैडम भी बताए कि भाई आप वो लेटर लेकर आइए, अगर वो लेटर का रहता है तो फिर आप काम कीजिए। हमको भी मौका है भाई, हम भी जो है सो वहाँ पर वो अप्रोच करेंगे, करके बताएंगे कि भाई ये प्रॉब्लम है हमारे को उस चीज़ से, तो ये बताने के जो हम कोशिश करेंगे। अब उसके बाद हो रहा ये है कि भाई जितना हम अच्छा समझाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ एलिगेशन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, घर में घुस जा रहे हैं, वो हो जा रहे हैं कोई। अब ये बिल्डिंग ओनर है जो कर रहे हैं वो जिसके बिल्डिंग पे, अब वो बता रहे हैं कि भाई 6,000 रुपये किराया मिलता है। भाई 6,000 रुपये ऐसी कौन सी बात है कि बस्ती के अंदर 480 घर है जिसके अंदर से इनके साथ कोई एक भी नहीं है। इससे पहले जब हमारी इनसे बात हुई थी तो इन्होंने बता दिए थे कि भाई नहीं ये ख़त्म होने वाला है और इंस्टॉल अनइंस्टॉल हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, उसकी रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास जो बताए थे। मगर उसके बाद भी फिर इलीगली ये लोग जैसे काम कर लेते जा रहे हैं, आजू बाजू हार्ट पेशेंट है, डायलिसिस पेशेंट्स है, कैसे बारहा समझाने की कोशिश में भी सिर्फ वो लोग अपनी जो है सो मुफाद को देख रहे हैं और जो सो ये चीज़ को नहीं देख रहे हैं। क्या नहीं ये जो सो एयरटेल का है, ये एयरटेल का जो सब है, अभी कंपनी वालों से भी बात हुई थी। अब कंपनी वाले अभी नीचे हमको बताया कि भाई अगर आप लोग 50 लोग मिलकर जो सब हमको एक लेटर दे देंगे तो हम उसको फौरन अनइंस्टॉल कर लेंगे। फिर वो लग रहा है एरिया कौन सा और कितने फैमिली से सर? वो मिल्लत नगर है करीबन, वो एरिया में 480 घर है सर, उसमें 480 घर है जिसके अंदर 4-5 हज़ार फैमिली हाँ आराम से है सर उसके अंदर, और ज्यादातर भी रेंटर भी है वहाँ पर, यानी एक घर में करीबन कम से कम 2-3 रेंटर, फिर एक ओनर भी रहते हैं वहाँ पे, और बहुत सारे छोटे जी हाँ ये जी हाँ जी हाँ ये पूरे तमाम बस्ती के लोग 14 तारीख दिए थे हम लोग, 14 तारीख को दिए, दिसंबर को, दिसंबर 14 तारीख को दिए थे हम, मैडम को दिए थे उसमें। नहीं पुलिस की जानिब से अब तो मैडम तो जो सो हम लोग को तयखुन दिए इस बात का, तो जब 14 दिसंबर को जब दिए थे तो उन्होंने बताए थे ये बात की भाई के नहीं होगा काम नहीं होगा बोल के, वो मगर वो एकाएक फिर काम स्टार्ट हुआ उसमें। अब जो ये बल्लागोड़ा पुलिस स्टेशन में आए मैडम को जो अब उस वक्त भी बोले थे, अब मैडम को ही बताना ये है कि वो लोग यहाँ पे इन्फॉर्म नहीं करे, बिना इन्फॉर्म करे काम स्टार्ट करे वो लोग उसमें। अभी मैडम भी तयखुन दिए हुए इस बात के ऊपर कि नहीं भाई इसको बिल्कुल भी निकाल देना चाहिए, अनइंस्टॉल कर देना। मेरा नाम मोहम्मद हमीद पाशा है, मैं मिल्लत नगर का जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो ये जो टावर का जो इशू चल रहा है लास्ट 6 मंथ से चल रहा है, 6 मंथ पहले भी हम लोग आके PS में कंप्लेंट दिए थे कि जब काम रुक गया था, जो टावर लगा रहा जो ओनर है वो भाई जो लोग जो टावर लगा रहे जो ओनर है वो लोग हमको बोले कि भाई हम टावर निकाल देते, ये खाली खंबा गाड़े सो है, हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है उनकी कि हम टावर निकाल देते बोल के 6 महीने तक फिर वेट करके आज बगैर बोले काम स्टार्ट कर दिए भी लगा के। अभी हम आके बोल रहे तो खाली जो दूसरे बच्चों के जो बच्चे हमारे घर में घुस गए ऐसा बोल के पूरा फॉल्स बोल रहे पूरा लगा के। हम इससे पहले भी बोले तो फिर अभी गाली गलौज में भी ये वहाँ जो ओनर है टावर लेके आए सुभान है उसका नाम, सुभान है उसका नाम। तो अब ये पूरे मिल्लत नगर के हम लोग जो तो पूरे आके हम पूरे हम ये चाह रहे कि टावर वहाँ नहीं लगना, क्योंकि वहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, प्रेगनेंट औरतें हैं, डायलिसिस पेशेंट्स हैं, हार्ट पेशेंट्स के लोग हैं। तो हम पूरे लगा के हम ये बोल रहे हैं कि वो निकाल दो, क्योंकि वो पूरे एरिया में जितने घर है पूरे टोटली उनके अगेंस्ट में है
एक भी वो उसमें फेवर में नहीं है कि टावर लगाने की उसमें उसमें मौक में लगा के। तो हमसे ये चैनल के थ्रू मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये पूरे मिल्लत नगर से पूरी मैं बात करना चाह रहा हूँ कि ये टावर अगर गुजारिश है कि ये टावर निकाल दीजिए जाए वो साहब से।